रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर गुरुवार के कुंभ और तुला राशि फल के बारे में कि यह दिन कुंभ और तुला राशि के लिए क्या खास लेकर आया है, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ या तुला है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर कुंभ राशि की, आज आप वैचारिक स्थिरता के साथ अपने हाथ में आए हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। सृजनात्मक क्षेत्र में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। करियर के संबंधित क्षेत्रों में तरक्की के योग हैं। इसी के साथ आज आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। इस समय आपको अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो कार्ड पर एक नया संबंध दिखाई दे रहा है। एक ऐसा रिश्ता जो आपको वो संतुलन और संतुष्टि देगा जिसकी आपको तलाश है। करियर की बात करें तो करियर के मोर्चे पर लगभग एक महीने के लिए थोड़ा धैर्य रखें और आप अपने रास्ते में बहुत बदलाव ला सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री गणेश अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बात करें अगर तुला राशि की तो आज किसी सामाजिक प्रसंग में उपस्थित रहना पड़ सकता है। आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना है। व्यवसायिक क्षेत्र में आपके लिए परिस्थिति अनुकूल रहेगी। आज आपको आर्थिक दृष्टि से भी लाभ रहेगा। इसी के साथ आज अपने उच्च अधिकारियों के साथ वाणी और व्यवहार में संभल कर चलिएगा। शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी। व्यापार में विघ्न आने की भी संभावना है। लव लाइफ की बात करें तो परिवार में कोई उत्सव हो सकता है। रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। अपनों के साथ समय गुजारने का दिन है। करियर की बात करें तो आप अपने करियर में व्यस्त रहेंगे। आज आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ये यात्रा लाभदायक हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो अत्यधिक तनाव के कारण मानसिक रूप से टूटने की संभावना है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री गणेश अवश्य लिखें।